राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के बायबैक में जिसने भी पार्ट लिया है, जिसने भी शेयर्स को बाय किया है, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अप्लाई करना चालू कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर वन शेयर स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कितना इसका रेशियो आने वाला है, हमें इसमें क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितना पैसा बनेगा। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज वीडियो मिल जाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। इस बायबैक के रिगार्डिंग सारी अपडेट, सारा डाटा जो है, जो कंपनी ने मेंशन किया है, मैं आपको प्रॉपरली शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होगा मन के अंदर। इस बायबैक की रिकॉर्डेड थी आपके पास 27 अगस्त की, तो 26 अगस्त जिसने भी बाय किया होगा वो इस बायबैक में एलिजिबल है। 27 अगस्त को जिसने बाय किया होगा वो इस बायबैक में एलिजिबल नहीं है। कंपनी मेंशन कर रही है कि रिकॉर्ड वाले दिन इस शेयर का प्राइस जो है वो 3560.80 बंद हुआ था। इसको देखते हुए जिसके पास भी 56 शेयर या उससे कम शेयर है वो चले गए रिटेल कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी के अंदर, और इससे ऊपर चले गए जनरल कैटेगरी के अंदर। कंपनियां मेंशन कर रही है कि इसके अंदर जो पब्लिक है उनकी संख्या 1.3 लाख के आसपास थी, जो कि रिकॉर्ड से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 थी। मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 1.15 लाख पब्लिक इसमें और एंटर हुई है रिकॉर्ड डेट के बाद में, सॉरी बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद में। और ये सब कौन है, ये सब आए है वन शेयर का यूज करने के लिए, क्योंकि इस बायबैक का जो प्राइस है काफी अट्रैक्टिव था, 1000+ का इसमें गैप था करंट प्राइस से, तो इसलिए लोगों ने इसमें बाइंग करी है वन शेयर के लिए। बट मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इसके अंदर नंबर ऑफ पब्लिक काफी ड्रास्टिकली क्रीज करने वाली है, तो इसके अंदर वन शेयर स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंपनी जो है वो आपसे 43,334 शेयर्स लेने वाली है, मतलब इतने शेयर्स कंपनी आपसे लेने वाली है। और बायबैक में जो इस कंपनी में रिटेलर जो है वो 1.3 लाख के आसपास है, जिसमें से मोटा मोटा मान लेते हैं कि 1 लाख पब्लिक तो अप्लाई करेगी, 1 लाख पब्लिक इसमें अप्लाई पक्का करेगी। अगर आपने 2 में लिया है तो 1 में जाएगा। अब यहां कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर 10 में से 5 में जाएगा, मतलब आप बोल रहे 50% काम करेगा, तो मेरे पास 10 अकाउंट है तो क्या मेरे 5 चले जाएंगे, 5 रह जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। मान लेते हैं इसके अंदर 1 लाख पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है बायबैक के अंदर, और उसमें से आपके 43,000 शेयर जाएंगे, मतलब 43,000 शेयर जाएंगे और बाकी जो पब्लिक है 57,000 जो पब्लिक है उनके शेयर नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना आपके 10 अकाउंट है, मान लो वो 10 अकाउंट के 10 अकाउंट मान लो यहां पे चले गए, तो कैच कर रहे हो? अगर आपके 10 अकाउंट जो है वो जिन पब्लिक के शेयर्स नहीं गए हैं उन अकाउंटों में आ गए, फिर तो आपका 1 भी नहीं जाएगा। वो 10 के 10 आपके यहां भी आ सकते हैं, तो आने कुछ भी हो सकता है। आपके अकाउंट मान लो 9 इस वाले में आ जाए, 1 यहां जाए, या फिर 8 यहां जाए, 2 यहां जाए, वो पता नहीं ना। क्योंकि जो रेशियो बनता है ना वन शेयर लेने का, वो पर पर्सन वाइज नहीं बनता है कि हाँ भाई इस पर्सन ने 10 अप्लाई किए तो इसके 10 से 5 ले लो, ऐसा नहीं होता है। ओवर एप्लीकेशन जितनी आएगी ना, उन एप्लीकेशन में से शेयर निकलने हैं। 10 में से आपके 5 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, बट इसके अंदर वन शेयर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। उसका जो रेशियो है 50% एक्सपेक्टेशन है कि हाफ शेयर जाएंगे लोगों के, बाकी के शेयर नहीं जाएंगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। काफी लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहती है। अगर हम एंटाइटलमेंट रेशियो की बात करें तो इसका जो रेशियो है वो आपके पास 13.02% का आया है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, और 1.08% का आया है जनरल कैटेगरी के अंदर। रेशियो काफी अच्छा है इसका। मुझे उम्मीद थी कि इसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो 15% के आसपास का आएगा, और वो आराम से आता दिख रहा है। क्यों? 13% का आपका एंटाइटलमेंट रेशियो आ चुका है, तो 15% का तो एआर रेशियो आराम से आ जाएगा, 15-20 तक आ सकता है आराम से। अगर हम बायबैक में अप्लाई डेट्स की बात करें तो इसमें अप्लाई आपके पास 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक, मंडे से फ्राइडे ओपन रहेगा, और अप्लाई करने के बाद आपके सारे शेयर्स ब्लॉक हो जाएंगे। उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कंपनी शेयर्स ले लिए है, कंपनी शेयर्स लिए नहीं है। ये बात ध्यान रखा करो कि जैसे आप अप्लाई करते हो ना, उसके बाद कंपनी आपसे सारे शेयर आके ब्लॉक कर देती है। कंपनी ने मेंशन किया है कि 12 सितंबर को कंपनी सेटलमेंट करेगी, मतलब 12 और 13 को कंपनी आपसे शेयर लेगी जितने उसे लेने होंगे, और वापस शेयर आपे कर देगी। तो इसलिए बायबैक में अप्लाई करने के बाद में अगर आपके सारे शेयर्स ब्लॉक होते हैं तो उसके अंदर आप गलतफहमी मत किया करो कि आपके उसके अंदर कंपनी ने सारे शेयर्स ले ली है, आपका वन शेयर काम कर गया है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप कह रहे थे वन शेयर काम नहीं करेगा, हमारा तो वन शेयर काम कर दिया है, हमने तो कल ही अप्लाई किया था, आज ही मार्शल चले गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो शेयर आपकी गई नहीं है यार, वो शेयर आपके खाली होल्ड हुए, ब्लॉक हुए हैं। ध्यान रखना कि अगर आपने वन शेयर का यूज किया है, वन शेयर लिया है बाई चांस आपने, तो फर्स्ट डे मंडे को ही सुबह अप्लाई कर देना, अप्लाई करने में देरी मत करना। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे शेयर जाने के। ये एक ट्रिक है जब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपको यूज करना हो कर लेना, वरना मर्जी आपकी है। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, उनको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सभी बायबैक की रिकॉर्ड डेट्स, अप्लाई डेट्स, उसके अलावा डेली स्टॉक्स की न्यूज मिलती रहती है, जिससे आपसे कोई भी चीज मिस नहीं होती है। स्टॉक मार्केट के हर अपडेट्स वहां मिल जाती है, तो इसलिए उन चैनल्स को जरूर कंसीडर कर लेना।
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बायबैक के रिगार्डिंग, OFS के रिगार्डिंग, IPO रिव्यूज, रेड इश्यूज, इन सब के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। करते हैं वीडियो पैकअप, मिलते हैं आपसे वीडियो में ऐसी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर।